नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। इस वीडियो को देखकर आपको एक भारतीय होने पर गर्व की अनुभूति होगी। ये एक ऐसे भारतीय की कहानी है जिसने भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों से बदला लिया। यस, तो यदि आपको भारतीय होने पर गर्व है तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए ये पूरा वीडियो। तो ईस्वी सन 1600 में कुछ अंग्रेजों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1606 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज सूरत आता है। जहाज का कप्तान था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति लेता है और अंग्रेज भारत में व्यापार शुरू करते हैं। तो अंग्रेज भारत आए क्योंकि उस समय भारत की GDP थी 30%। यस, 30%, यानी भारत सचमुच सोने की चिड़िया था। व्यापार करने आए अंग्रेजों ने देखा कि भारत के राजा आपस में लड़ते हैं, उनमें एकता का भाव है, मुगल शासक भोग विलासता में डूबे हुए हैं, तो ऐसे देश को गुलाम बनाना बहुत ही आसान होगा। फिर ईस्वी सन 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। 7 रुपए का वेतन लेने वाले एक अदने से क्लर्क जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जिसके पात्र थे मात्र 300 सैनिक, उसने 15,000 की सेना वाले नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने मीर कासिम नामक गद्दार को अपने पक्ष में मिला लिया था। प्लासी का युद्ध चल रहा था और अंग्रेजों की सेना से कई ज्यादा लोग खड़े होकर हार जीत का मुकाबला देख रहे थे। भारत के भाग्य का फैसला होने वाला था और भारतीय मूक दर्शक की तरह बाहर खड़े होकर मुकाबला देख रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि यदि वहां पर उपस्थित भारतीयों ने सिर्फ पत्थर उठाकर हमें मारे होते तो ब्रिटिश सैनिक मारे जाते और भारत कभी गुलाम नहीं बनता। तो दोस्तों, ये कारण था हमारी गुलामी का। और दुख की बात तो ये है कि आज तक हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज जो व्यापारी थे वो भारत के शासक बन गए। कहा जाता है कि अंग्रेज अपने साथ एक तंबू लेकर आए थे, रबड़ का तंबू। उन्होंने तंबू धीरे धीरे फैलाया और पूरे भारत को उससे ढांक दिया। अंग्रेज पूरे भारत के मालिक हो गए। ब्रिटिशर्स ने भारत के सारे उद्योग को नष्ट करना शुरू किया। एक वक्त का धनाढ्य देश भारत, सोने की चिड़िया भारत, भुखमरी का शिकार हो गया। भारत में कई बार अकाल पड़े, लाखों लोग मारे गए। खैर, 1947 में देश आजाद हुआ और अंग्रेज तथा ईस्ट इंडिया कंपनी अपना तंबू डेरा उठाकर भारत से चलते बने। फिर आजादी के बाद एक भारतीय ने इस अपमान का बदला लेने का निश्चय किया, जिसका नाम है संजीव मेहता। संजीव मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक बनने का निश्चय किया। संजीव मेहता का जो जन्म है वो मुंबई में हुआ था। उन्होंने मुंबई के सीडनहैम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। 1989 में संजीव मेहता लंदन गए। ये वक्त उदारीकरण का नहीं था, ऐसे में व्यापार करना बहुत ही कठिन था, लेकिन संजीव मेहता के ब्लड में बिजनेस दौड़ रहा था। संजीव मेहता के ससुर मेडिसिन का बिजनेस करते थे, इससे संजीव मेहता भी मेडिसिन के फील्ड में जुड़ गए। इसके साथ साथ उन्होंने यूके के एक सबर्ब में रेकेज भंगार का बिजनेस शुरू किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बिजनेस से बहुत सारा पैसा कमाया। वो जो रेकेज जो भंगार होता था उसको पिघला करके लोहा बनाते और छोटी मोटी कंपनी को सप्लाई करते थे। फिर इसके बाद संजीव मेहता ने क्रूड ऑयल का बिजनेस भी शुरू किया, इसमें भी वे काफी सफल हुए। फिर संजीव मेहता की नजर पड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी पर। उन्होंने 2005 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे। इस पर कई भारतीयों ने उन्हें बहुत ही बड़ा भला कहा, क्योंकि उन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदे थे जिसने भारत को गुलाम बनाया था। परंतु संजीव मेहता अपनी योजना चुपचाप चलाते रहे। उन्होंने लगातार 6 वर्षों तक छोटे मोटे काफी इन्वेस्टमेंट कंपनी में किए, काफी शेयर खरीदे और अंत में 2010 में उन्होंने फाइनल 105 करोड़ रुपए का पेमेंट किया और वो बन गए ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक। यस, जिस कंपनी ने 400 वर्ष तक भारत में शासन किया, भारत को गुलाम बनाए रखा, उसके वो मालिक बन गए। और इसके साथ ही उन्होंने कंपनी में से जो ब्रिटिशर्स थे उनको लात मारकर बाहर का दरवाजा दिखाया।
आज ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक एक भारतीय है, ये हम सब लोगों के लिए गरीब की बात है। संजीव मेहता कहते हैं कि एक समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश में शासन किया था, आज उसका मालिक बनते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। संजीव मेहता ने अपना पहला स्टोर ब्रिटेन के एक पोस इलाके जिसका नाम है मेफेयर में शुरू कर दिया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला स्टोर है, यहाँ पे फर्नीचर और फूड आइटम्स बेची जाती हैं, ये तो महज एक शुरुआत है। ब्रिटेन से पूरा हिसाब चुकता करना है। तो एक दिन आएगा दोस्तों कि हम सभी लोग अपने पुराने जख्मों का हिसाब लेंगे। दोस्तों ये वीडियो दिखाता है कि सारा खेल सोच का होता था। पहले हम भारतीय आपस में बिल्लियों की तरह लड़ते रहे और उसका फायदा बंदर के रूप में अंग्रेजों ने उठाया। फिर एक भारतीय ने निश्चय किया कि बदला लेना है, तो उसने अंग्रेजों को अपने कदमों में झुका दिया। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जय हिंद, जय भारत।